हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू ए अंदर वीडियो। और आज मैं आपको सेंटी टॉयस के कोई भी कार को कैसे वॉश करते हैं मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मेरे 80 सब्सक्राइबर स्पेशल है, सो थैंक्स गाइस फॉर 81 सब्सक्राइबर्स। तो अगर आपको कुछ भी पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे बोल सकते हो कॉमेंट करके। तो आपको अगर ये मॉडिफिकेशन यानी वॉश करना है, कुछ भी करना है, तो आपको ये आइटम्स चाहिए। तो ये जो आइटम्स है वो है स्क्रू ड्राइवर एंड दो मोटे ब्रश एंड ये मग भी हो सकते हैं। तो लेट्स, तो सबसे पहले आपको ऐसे ही अपने जो टैप के पास यानी कि अपने नल के पास आपको अपनी गाड़ी को रख देना है, क्योंकि आपको नल हो ना कोई बाथरूम हो आपको रख देना अपनी गाड़ी को। एंड उसके बाद आपको ऐसा ही जो साबुन होता है लाइफबॉय का, आपको ऐसे उसे रख देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी मेला है एंड काफ़ी गंदा भी है ये जो कार। यहाँ पे देखो मैंने स्टिकर्स काफ़ी बेकार हैं एंड ये स्टिकर मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस स्टिकर को रिमूव कर दे रहा हूँ। तो थोड़ा जो थोड़ा अच्छा तो नहीं लगेगा। एंड आपको चाहिए लाइफबॉय अगर आपको साफ़ करना है तो। एंड आपको ये सब चीज़ें चाहिए, ये दो मोटे ब्रश, एक ब्रश विंडो क्लीनर के लिए और एक ब्रश बॉडी को साफ़ करने के लिए। एंड मैंने आपको पहले से बताया था एंड आपको चाहिए जो मेन जो चीज़ है स्क्रू ड्राइवर, मैंने आपको बताया था, पर ये जो है सबसे मैंने चाहे मॉडिफिकेशन में हो चाहे कुछ भी हो। एंड आपको चाहिए ये रुमाल एंड सबसे जो मैंने आपको चाहिए मग। तो चलो इससे पहले स्टार्ट करते हैं। ये आपको हर जगह में अपने दुकान में भी मिल जाएगा लाइफबॉय का ये जो हैंड वॉश, यानी तब साबुन को भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। तो चलो पहले मैं इसके बॉडीज़ को ओपन कर लेता हूँ। ये देखो गाइस, मैंने इसके बॉडी के साथ साथ इसके ऑल स्टिकर को भी रिमूव कर लिया है, सिर्फ आगे का स्टिकर को छोड़ के। एंड जो पीछे का स्टिकर को मैंने रिमूव किया है, पर वो वाला स्टिकर को मैंने क्यों नहीं रिमूव किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड देखो अब मैंने कांच को भी रिमूव कर दिया है, ये स्टिकर को भी। अब जो आगे का जो है जो हेडलाइट्स, आप उन्हें रिमूव कर सकते हो नहीं कर सकते हो आप पे डिपेंड करता है, पर मैंने नहीं किया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा काम हो सकता है। एंड ये बॉडी को क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखो यहाँ पे मैंने इन्हें पूरा मैंने बॉडी को सोप से ढक लिया है एंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड इसके अंदर यानी इंटीरियर को भी आपको इसे जो साफ करना पड़ेगा यानी कि सोप लगाना पड़ेगा। एंड इसके लिए आपको ये वाला ब्रश चाहिए, मोटा ब्रश, जो आपको अच्छा एडवांटेज देगा, आपको ये दुकान में भी मिल सकता है। एंड विंडो क्लीनर के तो वो ब्रश एंड ये ब्रश, ये नाल कलर का विंडो क्लीनर के लिए। ये विंडो नहीं तो कोई पतले चीज़ पर बॉडी के लिए, मैंने इन सब में भी सोप लगा दिया है एंड ख़ास करके विंडो में आपको ज़्यादा लगाना है। तो अब चलो, तो अब भाई गाइस शुरू करते हैं। तो इसका भी इसका जो यूज़ है वो ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी ये आपके गाड़ी को पोंछने में, तो चलो चलते हैं, टैप को ऑन कर लेते हैं। सो गाइस देख सकते हो गाड़ी पूरी से पूरी वॉश हो चुकी है एंड देख सकते हो क्या मस्त एडवांटेज है। तो मैं आपको अब इसे लगा के दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने इसे लगा दिया, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।